हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ ठेले पे मिलने वाली पानी पूरी की रेसिपी। एकदम ठेले जैसी बनाकर तैयार करेंगे, एकदम क्रिस्पी फूली फूली, और इसके साथ बनने वाला है पानी पूरी का खट्टा मीठा चटपटे वाला पानी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे आपको मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो उस वीडियो शुरू करते हैं। आधी कटोरी मैंने ले ली है यहाँ पर सूजी, जिससे हम हलवा बनाते हैं, और आधी कटोरी ले लिया है मैदा। मैदे की जगह आप यहाँ पर गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे और एक से डेढ़ चुटकी डाल देंगे यहाँ पर बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, और अच्छे से इन सबको कर लेंगे मिक्स। मैंने यहाँ पर सूजी मैदा बराबर लिया है, तो आपने भी ऐसे ही लेना है। तो अब हम यहाँ पर अच्छे से इनको मिक्स करने के बाद इसका एक आटा लगा तैयार कर लेंगे। खूब बढ़िया सा एक सॉफ्ट आटा लगा लेंगे हम यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी और इसका एक सॉफ्ट और नरम डो लगाकर तैयार कर लूँगी। तो अगर आपका डो थोड़ा पतला भी हो जाए तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे तो सूजी जो है पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, वो अपने लेवल में आ ही जाएगा और डो हमारा बिल्कुल सेट हो जाएगा। और अगर आपको फिर भी लगे कि आपका डो पतला है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड कर सकते हैं और डो को एकदम परफेक्टली तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह का डो लगाना है हमने। तो अभी तो आपको ये थोड़ा पतला लग रहा होगा, पर लेकिन जब अभी हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे तो ये अपने आप से सेट हो जाएगा, क्योंकि सूजी जो है बहुत ज़्यादा पानी पीती है। तो अब हम यहाँ पर इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तो जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक हम यहाँ पर पानी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया लिया है, इसको अच्छे से साफ करके धो लिया था, तो मैंने ये डंडी समेत लिया है, डंडियों में अच्छा फ्लेवर होता है। तो दो हरी मिर्ची, एक इंच अदरक का टुकड़ा और थोड़े से पुदीने की पत्तियाँ ले लेंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे पेस्ट बनाने तक पीस लेंगे। अभी हमने यहाँ पर कोई भी मसाले नहीं ऐड किए हैं, केवल इसका पेस्ट बनाना है। तो कुछ इस तरह से हमने इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे और उस पर छलनी रख लेंगे। तो जो हमने ये पेस्ट बनाया है इसको बढ़िया से छान लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी जार में, क्योंकि थोड़ी सा पेस्ट रह गया था लगा हुआ। तो इसको हम अच्छे से इस तरह से करते हुए बढ़िया से छान कर ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारा पेस्ट अच्छे से छान लिया है, थोड़ा बहुत ये रह गया है तो इसको हटा देंगे। तो बढ़िया वाला पानी हमें मिल गया है पानी पूरी के लिए। तो अब हम यहाँ पर इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैं भर कर दो गिलास पानी ऐड कर दूँगी यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर एक लीटर के करीबन पानी ले लिया है। तो अब हम यहाँ पर इसमें कुछ फ्लेवरफुल मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम एक चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। अब मैं यहाँ पर एक छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर और एक से डेढ़ चम्मच भुने जीरे का पाउडर। तो मैंने यहाँ पर जीरे को भून कर अच्छे से पीस कर ले लिया था। एक चम्मच अमचूर पाउडर, अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। कोशिश कीजिएगा जीरे को आप भून कर ही उसका पाउडर बनाकर डालें, उससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब हम यहाँ पर डाल देंगे इसमें नमक, डाल देंगे स्वाद के अनुसार। काला नमक डाल देंगे, मैंने यहाँ पर दोनों नमक डाले हैं, सादा और काला। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं यहाँ पर डाल दूंगी आधी चम्मच के करीबन लाल मिर्ची पाउडर, इससे भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है पानी में। अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम पानी में मीठा वाला फ्लेवर लाने के लिए इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच भरकर मीठी वाली चटनी। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपके पास मीठी चटनी ना हो तो आप यहाँ पर एक से डेढ़ चम्मच चीनी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमने इसमें चटनी ऐड की है, जो हमारा पानी है, खट्टा मीठा चटपटा बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपको दो दो पानी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही पानी से काम हो जाएगा। अगर आपको फिर भी लगे कि आपको अलग अलग पानी बनाना है तो आपको इस पानी को ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें मीठी चटनी ना ऐड कीजिए। और मीठा पानी बनाना बहुत आसान है, एक से डेढ़ गिलास पानी में मीठी चटनी ऐड कीजिए, कुछ मसाले ऐड कीजिए, मीठा पानी तैयार है। तो अब हम यहाँ पर इस पानी में बूंदी ऐड करने के बाद इसको रख देंगे साइड में। एकदम चटपटा खट्टा मीठा वाला पानी हमारा बनकर तैयार है। तो इसको हम साइड में ढक कर रख देंगे। अब हम चलते हैं, जो पानी पूरी में भरकर आलू का मिक्सर खाया जाता है, तो चलते हैं उसको बनाने। तो मैं यहाँ पर दो उबले हुए आलू ले लिए हैं, तो इनको मैं अच्छे से रफली तोड़ लूँगी बढ़िया से। तो इस तरह से हमने इनको तोड़कर तैयार कर लिया है। तो इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधी चम्मच चिली फ्लेक्स ले ली है, आधी चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, और आधी चम्मच डाल देंगे यहाँ पर धनिया पाउडर, और थोड़ी सी मैंने ली है यहाँ पर बूंदी,
तो आप बूंदी की जगह यहाँ पर काबुली चने या फिर काले चने उबले हुए यहाँ पर इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं थे तो मैंने यहाँ पर बूंदी ऐड कर दी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको साइड में रख देंगे। तो पानी पूरी के लिए हमारा ये मिक्सर भी तैयार है। तो अब हम यहाँ पर आटा देख लेते हैं। 15 से 20 मिनट हो गए हैं आटे को रखे हुए, तो देख लेते हैं आटा कैसा है। तो ये देखिए आटा बिल्कुल परफेक्ट तैयार है हमारा एकदम, ना ही तो ज़्यादा सख्त है और ना ही तो ज़्यादा पतला है। तो एकदम ऐसा सॉफ्ट और नरम डो हमें तैयार करना है। तो जिस समय मैंने आटा गूंदा था उस समय ये थोड़ा पतला था, पर लेकिन सूजी बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करती है तो ये अपने आप ही रखा रखा सख्त हो गया है। तो अब हम यहाँ पर चार लोई तोड़ लेंगे इसकी बराबर बराबर। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एकदम पतली रोटी बेलकर तैयार करनी है। तो मैं यहाँ पर एक लोई उठाऊँगी और इससे पतली रोटी बेलकर तैयार कर लूँगी। तो रोटी बेलते समय हमने यहाँ पर रिफाइंड या तेल किसी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। अगर आपको लगे कि आपका जो ये आटा पतला हो रहा है तो आप यहाँ पर मैदा ऐड कर लीजिए, सही कर लीजिए आटे को, या फिर आटा ज़्यादा सख्त हो रहा है तो पानी ऐड कर लीजिए। तो पानी से आप उसका सॉफ्ट और नरम डो तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से रोटी बनानी है हमने। मैंने यहाँ पर एक ढक्कन लिया है पूरी काटने के लिए। आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, ग्लास ले लीजिए जिससे आप बढ़िया से पूरी काट सको। तो यहाँ पर मैं 4 से 5 पूरी काट कर तैयार कर लूँगी अच्छे से। सभी पानी पूरी इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा आटा मैं निकाल दूँगी, इससे और पूरियाँ बना लेंगे हम। तो अभी मुझे लग रहा है इनकी साइड में शेप थोड़ी गड़बड़ आ रही है, तो हम यहाँ पर इनको बेलन से हल्का हल्का बेल लेंगे ऊपर से और इनकी शेप को अच्छे से लेवल में ले आएंगे। अब हम यहाँ पर इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे सभी पूरियों को और इसी तरह से सारी पूरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से मैंने एक रोटी और बेल दी है, इसकी भी हम पूरी काट लेंगे। 5 से 6 पूरी मैंने इसमें भी काट कर तैयार कर लिए हैं। तो अब हम यहाँ पर इनको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे इसी तरह से। तो हमारे यहाँ पर काफ़ी सारी पूरियाँ बन गई, तो पहले हम इन्हीं को फ्राई कर लेंगे फिर हम और पूरी बनाएंगे। तो हम यहाँ पर 2-2 पूरी इसमें डालते हुए इनको एकदम से पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। आपने ध्यान देना है तेल एकदम हाई गरम होना चाहिए, बिल्कुल तेज़ गरम तेल में हमने इनको डालना है। और जैसे ही ये फूल जाएं तो गैस की फ्लेम को लो कर देना है, तभी आपकी जो है ये पूरी फूल पाएंगी और अच्छे से फ्राई हो पाएंगी। अगर आप एक साथ ढेर सारी पूरियाँ डाल देंगे तो कुछ आपकी फूलेंगी और कुछ नहीं फूलेंगी। तो हमने यहाँ पर इस तरह से 2-2 करके पानी पूरी को हमने इस तरह से फ्राई करना है। पूरी बनाते समय आपने 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि जब आप इनके लिए रोटी बेलें तो एकदम कागज़ जैसी पतली ना बेलें। अगर आप कागज़ जैसी पतली बेलेंगे तो फिर वो जो पानी पूरी है फूल नहीं पाएगी, तेल में जाके पपड़ी बन जाएगी। और अगर ज़्यादा मोटी बेलेंगे तो फिर वो एक साइड से तो क्रिस्पी सिकेगी और दूसरी साइड से मोटी रहेगी, तो वो खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो मतलब ठीक ठीक बेलनी है, ना ही तो ज़्यादा पतली और ना ही तो ज़्यादा मोटी। तो अब हम यहाँ पर इसी तरह से सारी पानी पूरी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। और आपने इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि तेल एकदम हाई गर्म होना चाहिए, एकदम धुएंदार तेल में भी अगर आप डालेंगे इसको तो तब भी आपकी जो पानी पूरी है वो एकदम जल जाएंगी, अच्छे से नहीं फ्राई हो पाएंगी। तो आपने क्या करना है, एकदम तेज़ गरम तेल में डालें, 2-2 करके डालें और एकदम गैस की फ्लेम को लो कर दें, तो इससे आपकी पानी पूरी एकदम परफेक्ट बनेगी इस तरह से। तो मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, एकदम क्रिस्पी बनी है, ये देखिए एकदम क्रिस्पी पानी पूरी बनकर तैयार हुई है। अब मैं आपको वाली पानी पूरी दिखा देती हूँ जो एकदम पतली रोटी बेली थी, तो ये पानी पूरी हमारी फूल नहीं पाई थी, पपड़ी बन गई थी। या फिर आप एकदम धुएंदार तेल में डालें तो ये जल तो जाती है लेकिन फूल नहीं पाती, दो कारणों से इस तरह की पानी पूरी बनती है। तो ये हमारी चाट में काम आ जाएगी, साइड में रख देंगे। तो अब हम यहाँ पर पानी पूरी को सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पानी को बनाएंगे ठंडा ठंडा कूल कूल। तो हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़े से बर्फ के टुकड़े, जैसा ठेले वाले पे पानी मिलता है एकदम ठंडे वाला, तो इसमें मैं बर्फ डालकर इसको अच्छे से मिला लूँगी। और अब हम पानी पूरी को यहाँ पर सर्व कर लेते हैं बिल्कुल ठेले वाले स्टाइल में। तो मैंने यहाँ पर इस तरह का ये दोना लिया है, बिल्कुल ठेले वाले स्टाइल में सर्व करेंगे। तो पूरी में हम भरेंगे आलू का मिक्सचर, तो जो हमने आलू का मिक्सचर बना के रखा है उसको हम भरेंगे इसमें। और अब जाएगा इसमें तीखा चटपटा खट्टा मीठा एकदम ठंडा ठंडा पानी। तो ये लीजिए पानी पूरी बनकर हमारी तैयार है। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी आने वाली अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।